अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? सब ठीक है। मैं हम शहजाद, बस आप देख रहे हैं यूट्यूब का शहजाद जान वाला। माशाल्लाह जी, दिन की शुरुआत हो चुकी है, बादल वगैरह छाए हुए हैं। तो ये घास हमने काटा है जी, ये जानवरों के लिए, और इसके बाद इसको घर ले जाएंगे, कुतरेंगे, कुतरा करके इनको ब्रीक ब्रीक चारा करके वो अपने जानवरों को डालेंगे। तो व्लॉग के साथ जुड़ रहे हैं, जिन भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब मार दो जल्दी जल्दी। इसके बाद ना हम आपको अपनी कपास दिखाएंगे, ठीक है। तो हमारे ना दिन की ऐसी शुरुआत होती है, मतलब काम काज में। तो माशाल्लाह कपास हमारी फुल तैयार हुई पड़ी है, इसकी कल चुनाई करवाई थी हमने, तो ये तकरीबन ख़त्म होने वाली है। अब दसवां महीना लगने वाला, तो ये तकरीबन ख़त्म हो जाएगी, बस 15-20 दिन इसके रह गए हैं, ये ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे ये सारे एरिए में जनाब गंदम, इंशाल्लाह वो भी आपको वीडियो दिखाएंगे गंदम की। तो डैड मेरे नाना था, वो अभी पहुँचे नहीं हैं, पता नहीं कब पहुँचेंगे। तो उस वक्त हम आपसे ही गप्पे शप्पे लगाते हैं। तो जनाब ये है ज़िंदगी। पिछले दिनों आपने हमारा एक स्टेटस भी देखा होगा, व्हाट्सएप पे भी, दूसरा यूट्यूब पे भी, वो शॉर्ट है। हमारा एक भाई था उस्मान, वफात पा गया, अल्लाह ताला उसको जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो जनाब यंग जवान था वो, बस पता नहीं क्या वजह बनी कि रात को अच्छा भला सोया, सुबह बस कहते हैं जिसने बताया कि एक दो झटके लगे हैं, फिर उसके बाद ना नो मोर। दुआई कर सकते हैं जी, जोर तो चलता किसी का नहीं है यहाँ पे। ये जनाब माहर रफीक दाना चाचा पप्पू ने मकई लगाई, माशाल्लाह अच्छी खासी पड़ी, बस थोड़ी सी लेट हो गई है, बाकी ठीक है माशाल्लाह। दिन काफ़ी निकल आया है। तो डैड जी मेरे अभी नहीं पहुँचे, पता नहीं कब पहुँचेंगे। तो मैं भी इंतज़ार में करूँ कब आए हम निकले यहाँ से, क्योंकि धूप काफ़ी होने वाली है, तो फिर हमें गर्मी होगी। पट्ठे मेरे काफ़ी हैं ना, काफ़ी हैं जी, घास काफ़ी है हमारे लिए इतना, क्योंकि घर में भी पड़ा हुआ ना है, तो इतना काफ़ी है। ये थोड़ी सी ना इधर है पानी का मसला, तो इस वजह से ना ये ज़रा कम होता है घास। जनाब इस मोटरसाइकिल पे मैं आया हूँ, चेक करें मोटरसाइकिल, इसको कहते हैं सुपर पावर। भाई जैद जा रहे थे, हमने उनको रोका है, गपशप की है, माशा रिक्शा बनाया। भाई जैद के साथ हर कोई रब्ता कर सकता है, जिसने भी ले जाना शहर कोई माल हो किसी किस्म का, जाने दे किसी किस्म का ना, अगर आपने शहर माल ले जाना है तो नंबर मैंने पीछे उसके दे दिया था, तो सॉरी अब नज़र नहीं आ रहा नंबर, पहले मैंने जो वीडियो बनाई है ना उसमें है नंबर उसका। तो कि कोई सी माल भी ले जाना ना शहर में, भाई जान के साथ रब्ते कर सकते हैं आप लोग। मेरे ख्याल में अब्बू भी पहुंच चुके हैं, वो आ रहे हैं जी। चलो जी ये तो अच्छा हो गया जी, अब्बू पहुंच आए हैं, तो हम निकलते हैं अब घर के लिए। ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए जी। कोई सुबह सुबह का टाइम है, छोटा सा बच्चा इकराम भैंसों को चरा रहा है जी, क्योंकि हमारे ना गाँव में सुबह सुबह ये काम हो जाता है। ये हमारे ना पहचान टनार का है टिब्बा, माशाल्लाह इधर ना काफ़ी लोगों ने जानवर रखे हुए हैं, बाहर वाली साइड की तरफ देख सकते हैं आप लोग, इधर पीछे भी जानवर हैं, इधर भी जानवर हैं माशाल्लाह। ये ना रेवड़ होते हैं, ये चराने के लिए ले जाते हैं, अभी ये निकलेंगे घंटे आठ तक, क्योंकि तो अभी ना सुबह का टाइम है, तो ये इतना नहीं जा रहे, तो ये अभी घंटे डेढ़ तक ना निकलेंगे सब लोग उधर चराने के लिए, टिब्बे की तरफ। ये इधर चराने की साइड इस तरफ हो गया। मैं पहचान टनार में पहुंच आया हूँ, अभी देखते हैं जी क्या सूरत हाल है। जनाब ये टाइम हो गया हमारा शाम का घास ले आने का, तो मैं अभी जा रहा हूँ घास लेने जाने के लिए। पीछे जनाब मेरे
ट्रॉली भी आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो चेक करें जी, ट्रॉली आ रही है हमारे पीछे। मैंने आपको सुबह में दिखाया था, मैं यहाँ से गुजरा हूँ, तो अब तकरीबन मैं जा रहा हूँ घास लेने के लिए। तो जनाब इस टाइम ना तकरीबन गांव के लोग ना घास वगैरह करते हैं ये कपास में से, तो मैं भी जनाब उधर ही जा रहा हूँ। इतनी टेंशन लेने की जरूरत, हर बंदा करता है जी, चाहे कोई अमीर है या गरीब है, ये हमारा जल्दी दुश्ती काम है, हमें करना पड़ता है भाई। हाँ इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। वेला मुंडा भी करता था कभी, कुछ नहीं होता जी, करना पड़ता है। चलो कमलाना बरादरी ने जी लगवाई हैं सोलर प्लेट्स, तो पहले तो यहाँ पानी की बड़ी किल्लत थी, मसले मसाइल आते थे, लेकिन अब माशाल्लाह ये जब से सोलर प्लेट लगी है ना भाई, मज़ा आ गया ज़िंदगी का। इधर लोग नहाते भी हैं और माशाल्लाह फिर शाम को ना इधर बड़े बड़े जुगाड़ होते हैं जी। जनाब घास हमने इधर लाद लिया है, अब हम जा रहे हैं घर। तो रात को वॉलीबॉल का मैच है, वो भी खेलना हम लोगों ने। आए हाय इधर जनाब धक्के बड़े लगते हैं यहाँ पे।